हाई स्टूडेंट्स, आर यू ऑल डूइंग? होप योर डे वॉज ऑल गुड. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब कि मसल्स की वीकनेस. तो जो नर्व सेल्स और मसल्स होते हैं एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं जहाँ नर्व सेल्स एसिटाइल कोलिन केमिकल होता है वो रिलीज करते हैं, और वो केमिकल मसल्स में जाके बाइंड होता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, आगे के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है, एवरीथिंग. बट जिन लोगों को माइसिनिया ग्रेविस होता है वहाँ पर एसिटाइल कोलिन की जगह एसिटाइल कोलिन जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है मसल पे, उस रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं. अब मसल सेल भी आपका, रिसेप्टर भी आपका, एसिटाइल कोलिन भी आपका. तो माइंड इट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट वहाँ पर बाइंड होने लगती हैं एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ एक बार बाइंड हो जाती तो एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो सकता, यानी मसल्स हो जाती हैं वीक. ऐसी ही एक डिजीज से सफ़र करते हैं हमारे एक्टर, दैट इज अमिताभ बच्चन. उन्हें माइस्थेनिया ग्रेविस से उनकी मसल्स बहुत वीक रहती हैं, फैटीग रहती है, आउट ऑफ विच ही हैज़ बीन गोइंग थ्रू क्वाइट मेनी यू नो सफरिंग्स एंड एज एन एड ऑन टू इट. सो डू टेक केयर. अगर हमारे टी हेल्पर सेल्स 1 ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में तो ऑटो इम्यून डिजीज़ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो ख्याल पूरा रखिए.